अभी मैं तीन प्रकरण रखूंगा आपके सामने, तीन प्रकरण सीबीआई और ईडी को लेकर जो तमाम सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों का जवाब देश के सामने आ जाएगा। शुरुआत करता हूं पहले प्रकरण से। सुशंदु अधिकारी, ये वही टीएमसी के नेता थे, आपका पुराना कैंपेन शारदा चिट स्कैम सुशंदु अधिकारी के खिलाफ था, याद होगा आपको। कई महीने तक कैंपेन चला, केंद्र में सरकार आई, सीबीआई ने केस दर्ज किया था 2017 में, ईडी ने छापा मारा, इसके बाद बीजेपी ज्वाइन हुई। बंगाल के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी थे ये, मैं नहीं आप बोलते थे। हेमंत जी को जो जानते ही आप, हेमंता जी को, अगस्त 2015 से पहले कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी ने असम में कैंपेन किया, वाटर स्कैम हुआ, आपने कहा ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आज वो असम के सीएम हैं जिनके खिलाफ आपने कैंपेन चलाया। मुकुल राय, बंगाल के बड़े चेहरे, 3 नवंबर 2017 बीजेपी ज्वाइन की इन्होंने, पहले वो शारदा चिट स्कैम जिसका जिक्र आप करते थे, 12 नेता टीएमसी के, स्टिंग ऑपरेशन आपने जारी किया, कहा था ये महाभ्रष्टाचारी हैं, फिर बीजेपी में गए, मामला ठंडा हो गया। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे, बीजेपी ने आरोप लगाए, ईडी ने जांच की, केस दर्ज किया, जमीन घोटाले का मामला था, अब वो पाक साफ हो चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। 2013 में आपदा घोटाला हुआ नहीं हुआ, उसकी जांच कहां तक पहुंची, जांच हुई कि नहीं हुई, जांच क्यों नहीं हुई, इसका भी इंतजार है। इसके साथ साथ अजीत पवार, आप जानते होंगे, हाथ मिलाया आपसे और उनके भी भ्रष्टाचार के दाग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप था। तमाम बड़े नाम बीजेपी ने सबसे पहले उन्हें करप्ट कहा, मैंने गलत तो नहीं कहा, आपने कहा था इनको करप्ट, फिर सीबीईडी की रेड हुई कई मामलों में, फिर इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कौन सी वॉशिंग मशीन में आपने धोया नहीं धोया, लेकिन अचानक सबके दाग धुल गए। प्लीज कंटिन्यू, ऐसा क्यों? आप इतने बड़े पत्रकार हैं और दो हमारे विपक्षी मित्र भी बैठे हैं, इनमें से एक के ऊपर भी किसी जांच में अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है, और मिली हो तो बताओ, नंबर एक। नंबर दो, रेगुलरली ये जो है इनसे आज भी पूछताछ चल रही है, अंतर इतना है केवल कि ये ढोल नगाड़ा बजाते हुए प्रेस वार्ता करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर सड़कों को ब्लॉक करके, इनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है गुरेश भाई, बिल्कुल चल रही है, यानी ये करप्ट लोग आपकी पार्टी में है अभी भी, जो उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, आप मुझे ये कह रहे हैं? तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपने ने करप्ट बोला था, मुझे करप्ट, मैंने जो शब्द बोला आप सुन तो लीजिए, आप, मैंने अभी तक करप्ट नहीं कहा, मैंने ये कहा कि एक के खिलाफ भी क्लीन चिट नहीं मिली है पीसीआर में, आप मेरी बात को रिमाइंड नहीं, तो फिर 2013 के कई ऐसे मामले हैं वो आपकी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उस जांच का क्या हुआ, मैं ये सवाल कर रहा हूँ भाई साहब, मैं उसी में आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे बोलने तो दे, कार्रवाई बिल्कुल हो रही है। एक चीज ये होती है कि चुपचाप आदमी जाकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराता है, कार्रवाई चलती रहती है, दूसरी चीज होती है कि राहुल बाबा जिन भ्रष्टाचारियों को आपने शामिल किया उनके खिलाफ जांच चल रही है और वो आपकी पार्टी में है, जब तक देखिए अभी उनके ऊपर साबित नहीं है और वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आपने इसका मतलब झूठे आरोप लगाए थे इन पर? नहीं, आरोप हमने क्या लगाए थे, आप मुझे बताइए, आपने आरोप लगाए, दाग कैसे धुल गए, मुद्दे की बात ये है ना गुरेश भाई, ये आपके साथ आया तो सबके दाग कैसे धुल गए, मतलब क्या प्रोसेस होता है कि दाग धुल गए? देखिए जब उनको क्लीन चिट मिलेगी तो सबके दाग धुल जाएंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे प्रकरण पे, दिलीप घोष साहब, आज के प्रकरण के हिसाब से क्यों इन्होंने जो सवाल उठाए, मैं उस पर आ रहा हूँ गुरेश। उनका बयान ये है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ सीबीआई अधिकारियों को खरीद लिया गया, एक सेटिंग थी, इस बारे में जांच शुरू कर दी गई है, इसी सिलसिले में कुछ अधिकारियों को हटाया भी गया है, केंद्रीय एजेंसी पिछले 2 महीने से बंगाल में जांच कर रही है लेकिन कोई खास रिजल्ट देखने को मिला नहीं, ना ही कोई दस्तावेज सामने आए, मुझे लगता है कुछ अधिकारी बिक गए हैं, वो कह रहे हैं कुछ अधिकारी बिक गए हैं, कुछ लाखों में बिके हैं, कुछ करोड़ों में बिके हैं। गुरेश भाई मतलब सीबीआई वाले बिक गए? एक बात याद रखिए भाई साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो अंदर से ऑपोजिशन का भी काम करती सत्ता में होते हुए, अगर कोई चीज हो जाकर हम करते हैं, जरा सा भी संशय होता है तो हमारे बड़ा सा बड़ा नेता खुल के बात करता है, दिलीप बाबू इसके बहुत अच्छे उदाहरण है, मतलब सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है सीबीआई।
और आपकी रीढ़ की हड्डी में खुजली नहीं हुई थी जब इतना पैसा देखा था कि ये पैसा आया कहां से? मेरे को तो हैरानी हुई थी, ये महाराष्ट्र में भी जो वो नाच गाना हो रहा था, फाइव स्टार होटल में सब कुछ चल रहा था, रिजोर्ट में विधायकों को किडनैप करके रखा जाता था, जो आरोप लगे उसका पैसा किसने खर्च किया, तब भी मुझे हैरानी होती थी। लेकिन गुरेश भाई, चलिए ठीक है, दिलीप घोष की बात छोड़ देते हैं, एक और उदाहरण, तीसरा प्रकरण, मैंने कहा था ना तीन प्रकरण मैं आपके सामने रखूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है, अब इसे भी ध्यान से देखना चाहिए। जानते हैं किसका? एक ट्वीट आपको दिखाऊंगा, आप ही के सांसद हैं, वो जो बोल रहे थे ना फ्री फंड वाला, फ्री फंड का खाना बांटने वाला, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट किस प्रकरण में है मैं आगे बताता हूं आपको, लेकिन ट्वीट को ध्यान से देखिए। जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम, जय श्री राम झारखंड में हो गया काम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े विवाद में, क्यों मैंने कहा ऑपरेशन लोटस झारखंड में जिसका जिक्र किया जा रहा है, पहले भी किया जा रहा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े विवाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी की ओर से एक शिकायत की गई थी। शिकायत कहां थी? केंद्रीय चुनाव आयोग में, ध्यान से समझिएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड की सरकार जो है इस वक्त एक्स्ट्रा अलर्ट पर है। चर्चा इस बात की भी है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। चुनाव आयोग क्या फैसला देने वाला है, आपके सांसद को कैसे पता चला? क्या बोला? जय श्री राम होने वाला है। जय श्री राम होने का मतलब ये भी होता, हम बोलते हैं कि जो भ्रष्टाचारी जब होता है उसको अंजाम का डर लगता है तो जय श्री राम कहा जाता है। झारखंड में हो गया काम, ट्वीट ध्यान से देखिए, सर राम आखिर झारखंड में हो गया काम, चुनाव आयोग जो फैसला लेना था पहले आपको पता चल गया क्या फैसला लेने वाला है? सर आपको तो चुनाव की तारीख से पहले पता चल जाता कि किस तारीख से चुनाव होने वाले हैं, है ना? मैं क्या कह रहा हूँ बॉस, कि अगर इस प्रकार की कुछ गतिविधि हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चे में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चे से भी हमसे, हमारे भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे। हाँ मेरे को पता है सर, आपके लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आराम से पानी पीजिए ना गुरेश भाई, गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए, पानी पीजिए। मैं गुस्सा नहीं कर रहा,